आज हमने वेजिटेबल से भरपूर रोटी सैंडविच बनाई है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है और हेल्दी तो है ही। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं वेजिटेबल रोटी सैंडविच। रोटी सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 रोटी ली है। ये फ्रेश रोटी है, आपके पास अगर लेफ्ट ओवर रोटी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविच की हरी चटनी ली है, चटनी हमें थोड़ी गाढ़ी बना के लेना है, एकदम पतली नहीं लेना है। अगर ज्यादा पानी वाली होगी तो रोटी तुरंत ही सोगी हो जाएगी। हरी चटनी की रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी सैंडविच की चटनी की रेसिपी। इस तरह से चटनी को ऊपर लगा लेते हैं। ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हम इसमें बहुत सारे वेजिटेबल का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इस तरह से अच्छे से चटनी को लगा लेंगे। 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप लिया है, इसमें 1 टीस्पून जितना चिली सॉस डाल देंगे। रेड चिली सॉस डाला है हमने और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1 रोटी के ऊपर टोमेटो सॉस और चिली सॉस वाला मिश्रण लगाएंगे। इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। चटनी वाली रोटी के ऊपर पत्ता गोभी को पतली और लंबी काट के ली है, ये ऊपर रख देंगे इस तरह से। हरी शिमला मिर्च रखेंगे ऊपर, इसकी भी पतली और लंबी स्लाइस की है। सैंडविच का मसाला ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं। प्याज की स्लाइस की है इस तरह से पतली पतली। गाजर को कद्दूकस किया है, ये ऊपर डाल देंगे इस तरह से। ऊपर वापस सैंडविच का मसाला डालेंगे, इसके ऊपर ये सॉस वाली रोटी हम इस तरह से रख देंगे। थोड़ी दबा देना है, इसके ऊपर हरी चटनी लगाएंगे। हरा धनिया और फुदीना की चटनी है ये, चटनी अच्छे से लगा देना है। इसके ऊपर टोमेटो सॉस और चिली सॉस का मिश्रण लगाएंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा लगाना है। बीट को कद्दूकस किया है, ये ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर ककड़ी की स्लाइस रखेंगे। आलू को बॉईल करके लिया है, ये ऊपर ग्रेट करेंगे। इस तरह से फैला लेंगे। बीट लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने सैंडविच मसाला डाल दिया था, इसके ऊपर भी सैंडविच मसाला डाल देंगे। ऊपर टमाटर की स्लाइस रखेंगे। टमाटर में से मैंने बीज निकाल दिया है क्योंकि बीज पानी ज्यादा छोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा सोगी हो जाएगी। सैंडविच मसाला डालेंगे ऊपर। मोजरेला चीज ली है, इसे कद्दूकस करेंगे ऊपर। आप प्रोसेस चीज भी डाल सकते हैं या चीज स्लाइस है तो वो भी आप ऊपर रख सकते हैं। चीज आपको जितनी पसंद है उतनी आप डाल सकते हैं। चीज को इस तरह से फैला लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा चिली फ्लेक्स डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स ना डालें। मिक्स हब ऊपर थोड़ा डालेंगे, इसके बदले में आप ओरिगानो भी डाल सकते हैं, और नहीं डालना है तो स्किप भी कर सकते हैं। चटनी वाली रोटी ऊपर रख देंगे और इस तरह से दबा देंगे अच्छे से।
ऊपर बटर लगा लेंगे। बटर अच्छे से लगा देना है। ग्रिल पैन को गर्म करने के लिए रख दिया था। आपके पास अगर ग्रिल पैन नहीं है तो आप नॉनस्टिक तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। बटर लगाया हुआ हिस्सा हम नीचे की तरफ रखेंगे और धीरे ऐसे रख देना है इस तरह से। धीमी आंच पे इसे ग्रिल करेंगे, ऊपर भी बटर लगा देंगे। इस तरह से थोड़ी दबा के हम इसे ग्रिल करेंगे। रोटी नीचे से क्रिस्पी हो जाएगी तब तक इसे हमें ग्रिल करना है। पलट लेंगे इसे, धीरे से पलटना है। आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बन गई है ये। इस तरह दबा के इसे ग्रिल कर लेते हैं, देख लेते हैं। दूसरी साइड पे भी बहुत अच्छी हो गई है, एकदम क्रिस्पी। तो इसे निकाल लेते हैं, इसे हम कट कर लेते हैं। एकदम शार्प नाइफ से इसे कट करना है। अंदर से एकदम गर्म है। वेजिटेबल से भरपूर रोटी सैंडविच रेडी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।